जी, तो लेट अस स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक इन द टुडे मॉर्निंग, दैट इज द रूबी लेजर। रूबी लेजर। अब आप कह रहे होंगे कि ये रूबी लेजर है, रूबी नाम से है, तो ये किसी साइंटिस्ट के नाम पे होगा। रूबी लेजर किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं, रूबी क्रिस्टल होता है, एक रूबी क्रिस्टल होता है जो एल्युमिनियम ऑक्साइड का होता है, और उसको हम रूबी क्रिस्टल बोलते हैं। तो उस रूबी क्रिस्टल से इस लेजर का फॉर्मेशन होता है। तो पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द लेजर, क्या उसका डिस्क्रिप्शन है वो देखेंगे, क्या क्या चीजें उसमें यूज हो रही है। फिर उसके बाद उसकी वर्किंग देखेंगे कि हाउ इट वर्क्स। नेक्स्ट उसकी करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रूबी लेजर। एंड फाइनली वी विल सी कि व्हाट इज दी ड्रॉबैक्स इन द रूबी लेजर, इसीलिए लोगों को आगे और तरीके के लेजर को इन्वेंट करना पड़ा। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो क्रिस्टल है, तो ये आपका जो लेजर है ये आपका सॉलिड स्टेट लेजर है, क्योंकि क्रिस्टल की बात हो रही है तो कई सारे तरीके के लेजर होते हैं। जैसे ये आपका रूबी लेजर सॉलिड स्टेट लेजर है, और इसकी जो क्लास है वो आपकी थ्री लेवल लेजर है, ये थ्री लेवल लेजर, और आपका कैसा है सॉलिड स्टेट लेजर है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जैसे गैस लेजर भी आपके होंगे, आपके डाई बेस्ड लेजर भी होंगे काफी, मतलब वो आपके कोर्स में नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर द इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले इसके कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते, बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन है। एक रूबी रॉड कंसीडर करते हैं, इस तरीके से एक रूबी रॉड रहती है। अब इस ये रूबी रॉड है, रूबी क्रिस्टल की आप समझ रहे होंगे। अब इसका जो एक सिरा है, ये वाला सिरा तो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग एक मिरर लगा दिया जाता है, कोई भी चीज आए तो परफेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाए। दूसरा ये सिरा जो है ये पार्शली रिफ्लेक्टेड होता है। पार्शली रिफ्लेक्टेड मीन्स कि कुछ चीजें अंदर जा सकती हैं, कुछ चीजें अंदर नहीं जाएंगी। तो इसको मैं डॉटेड से बना रहा हूं, इस तरीके से रहता, मतलब तो कुछ चीजें रुके, रुकावट होगी, कम होगी। ठीक है, दो मिरर यूज होते हैं, इनको रिफ्लेक्टर बोलते हैं, और यही आपके ऑप्टिकल रेजोनेटर कैविटी जो होती है वही यही काम करते हैं उसके लिए। अब इस पूरे सिस्टम को क्या करते हैं, आप एक ग्लास ट्यूब लेते हैं, बहुत सिंपल है, साथ के साथ देखते जाएंगे तो बनता चला जाएगा बिल्कुल। यहां से थोड़ा सा कर्व दे दो इसको, उसके बाद यहां आइए, इस ग्लास ट्यूब में मैं इसको रख देता हूं। ये ग्लास ट्यूब में ये रखा रहता है, और एक ओपनिंग होती है जिससे क्या है लेजर लाइट आपकी बाहर आती रहती है। देखिए अब यहां से क्या होता है, जब ये, अब इसके लिए क्या है, रूबी रॉड हो गई। अब ये आप ओपनिंग देख रहे होंगे, ग्लास ट्यूब में कुछ ओपनिंग होती है, तो ये ओपनिंग इसलिए रखी जाती है कि जब रूबी रॉड एक लेजर की तरह वर्क करता है तो इसमें हीट जनरेट होती है, तो इसको कूल करने के लिए हम वाटर इन और आउट करते हैं, वाटर का इन और आउटलेट रहता है। तो यहां सिंपल आप लिखेंगे कूलिंग सिस्टम है ये आपका वाटर, यहां क्या होगा वाटर आउट, इन और आउट, तो उससे क्या है उसकी हीट जो है एब्जॉर्ब हो जाती है वाटर में और पास हो जाती है। अब इसी के साथ क्या है, इस पर, इसके ऊपर जो है ये इस तरीके से, इस रूबी क्रिस्टल को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेना, ये इस तरीके से रॉड क्लियर देखिए, ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं ये क्या है, ये आपकी, ये जीनोन लैंप है, एक जीनोन लैंप जो आपका क्या है एक पंप सोर्स की तरह, ये पावर सप्लाई से जब इसको जोड़ते हैं तो ये हीट होता है, तो ये क्या है एक पंप सोर्स की तरह वर्क करता है रूबी लेजर के ऊपर जो है।
तो अब मैं यहाँ थोड़ा सा नोटेशन दे देता हूँ कि ये जो है आपका, इसकी लेबलिंग कर लेते हैं, ये आपकी रूबी रॉड है, ये आपकी ग्लास ट्यूब है, ग्लास ट्यूब, ये जो है आपके ये जीनॉन, जीनॉन फ्लैशलैम्प है, ये आपका क्या वर्क करता है, एक पंप की तरह वर्क करता है, ये सिरा और ये सिरा, ये आपके रिफ्लेक्टर हैं, जो ये वाला एंड है परफेक्टली रिफ्लेक्टर, ये आपका सिरा कैसा है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, एंड दिस एंड इज पार्शली रिफ्लेक्टेड, ठीक है, दो मिरर यूज करते हैं उसके लिए, और यहां से जब आपकी बीम निकलती है तो लेजर बीम कुछ इस तरीके से बाहर आती है। तो ये आपका पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया, इसमें आप लिखेंगे अ रूबी रॉड इज इंसर्टेड इन अ ग्लास ट्यूब विच हैज टू ओपनिंग्स इन विच वाटर इज सर्कुलेटिंग, ठीक है, टू रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टिंग मिरर्स आर यूज एट द एंड ऑफ द रूबी रॉड, एट वन एंड फुली रिफ्लेक्टेड मिरर इज यूज्ड एंड द अदर एंड पार्शली रिफ्लेक्टेड मिरर इज यूज्ड, जीनॉन फ्लैश लैम्प इज यूज्ड फॉर द ऑप्टिकल सोर्स, ऑप्टिकल पंपिंग के लिए जो पंपिंग होती है एज द पंप सोर्स आपका यूज होता है। अब सिंपल आपका ये पूरा सिस्टम तैयार हो गया, ये आपने पूरा बता दिया क्या क्या चीज आपने इसमें यूज की, कंस्ट्रक्शन के बाद इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ही देंगे कि इसमें क्या क्या चीजें आपने यूज की। तो पहले मैं बात करूंगा एक्टिव मटेरियल क्या है इसमें, एक्टिव मटेरियल आपका है रूबी क्रिस्टल, रूबी क्रिस्टल आपका क्या करता है, एक एक्टिव मटेरियल की तरह इसमें वर्क करता है। अब ये जो रेजोनेटर कैविटी है, एक रेजोनेटर कैविटी भी होती है लेजर में, तो या आप कह सकते हैं ऑप्टिकल रेजोनेटर कैविटी, मैं सिंपल यहां कैविटी लिख दे रहा हूं, तो दिस इज टू रिफ्लेक्टेड मिरर्स या रिफ्लेक्टिंग मिरर्स, ये दो रिफ्लेक्टिंग मिरर्स आपका एज एन ऑप्टिकल रेजोनेटर कैविटी वर्क करते हैं। पंप सोर्स क्या है, पंप सोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, पंप सोर्स आपका है जीनॉन फ्लैश लैम्प, क्या है आपका जीनॉन फ्लैश लैम्प इज अ पंप सोर्स, ये आपका क्या काम कर रहा है, एक पंप सोर्स की तरह काम कर रहा है। चलिए जीनॉन फ्लैश लैम्प और कुछ रह गया, रूबी रॉड हो गया, कूलिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम भी है आपके पास, यहां आप एक पॉइंट और दे देंगे कूलिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम क्या है, सर्कुलेटिंग वाटर, सर्कुलेटिंग वाटर, ये आपका क्या है, कूलिंग सिस्टम है, और ये आपका एक तरीके से कंस्ट्रक्शन पूरा, कंस्ट्रक्शन का पूरा पार्ट हो गया। अब क्या करते हैं कि जब आपको लेजर एक्शन चाहिए तो थोड़ा सा आप डिटेल और देंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में, इन द रूबी क्रिस्टल, रूबी क्रिस्टल में, रूबी क्रिस्टल जो है किसका है, एल्यूमिनियम, Al2O3 एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड, इन द रूबी क्रिस्टल सम एल्यूमिनियम एटम्स, एल्यूमिनियम जो एटम्स हैं उनको हम क्या करते हैं, क्रोमियम एटम्स से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये क्रोमियम से रिप्लेस होते हैं Cr3+, क्रोमियम पॉजिटिव होता है, एल्यूमिनियम भी 3 पॉजिटिव होता है, वो क्या करते हैं, वो एक तरीके से एक मीडियम को एनहेंस करने के लिए यूज होते हैं, उसलिए यहाँ जो एक्टिव मीडियम मैं लिख रहा हूँ मेजरली यही है, प्लस इसके साथ आपके क्रोमियम एटम्स भी यूज होते हैं। मैंने बताया था कि जो आप पूछ रहे थे कि जो इंट, कल क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि इंटरमीडिएट स्टेट कैसे इंसर्ट होती है, तो डैट इज द रीजन कि आप किसी दूसरे मटेरियल को उसके साथ इंसर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या है उसमें बैंड गैप में कुछ नई स्टेट्स क्रिएट हो जाती हैं। तो यहाँ भी एक स्टेट क्रिएट होगी क्योंकि ये 3 लेवल लेजर है, बताऊंगा बाद में करेक्टरिस्टिक्स में लिखाएंगे टाइप,
आपकी कैविटी, एक्टिव मीडियम, पंप मेथड, आउटपुट क्या है, ये सारी चीजें मैं लिखाऊंगा। नेचर ऑफ लाइट कैसे इससे एमिट होती है, तो ये CR3 प्लस आयन से रिप्लेस हो जाता है, जो एक तरीके से एक्टिव मीडियम के तरीके से वर्क करती है। मैंने जो बताया वही आपको लिख लिए, जीनॉन फ्लैश लैंप यूज्ड एज अ पंप सोर्स एंड सर्कुलेटिंग वाटर इन द ग्लास ट्यूब इज यूज्ड टू रिमूव द हीट फ्रॉम द सिस्टम, पूरे सिस्टम से हीट रिमूव करने के लिए यूज होती है। तो इस तरीके से ये आपका पूरा कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। यू विल मेक अ डायग्राम एंड यू विल राइट दीज थिंग्स एंड लिटिल बिट थिंग्स विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वो चीजें लिखेंगे कि ये ग्लास रॉड है, ये इसमें सर पंप की तरह वर्क करता है, कुछ क्रोमियम आयंस को रिप्लेस किया जाता है, वाटर आपका हीट रिमूव करने के लिए यूज होता है। तो दिस विल बी कंसिडर्ड इन द कंस्ट्रक्शन सेक्शन। कंस्ट्रक्शन सेक्शन में ये सारी चीजें आपकी आ जाएंगी। अब मैं बात करने जा रहा हूँ इसकी वर्किंग की। ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन, बहुत इजी है, बस समझते जाएंगे तो सब हो जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूं इसकी वर्किंग की, कि वर्किंग क्या है इसकी। वर्किंग में सबसे पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम से सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा। एनर्जी बैंड डायग्राम बहुत जरूरी है। तो देखिए, ये मैंने बताया 3 लेवल लेजर सिस्टम है, तो 3 लेवल तो मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा। देखिए अब यहां से क्या होता है, That is the ground state, ये आपकी ground state है। इस ground state से atom directly कहाँ जाते हैं, higher energy state में जाते हैं। Higher energy state में atoms पहुंचने के बाद, और ये अब यहाँ labeling करनी पड़ेगी। अब यहाँ जो pump source मैंने कल आपको बताया हुआ था कि इसमें बहुत high energy का pump source use करना पड़ता है। ये जो power देता है ये 5500 angstrom का आपका जो है pump source आपको जरूरत होता है, जो atom को यहाँ से pull करके यहाँ भेज। जब एटम व्हेन दे विल रीच टू द हायर एनर्जी स्टेट दे विल डिके, वो वहां से क्या होंगे, डिके होंगे स्पॉन्टेनियसली आफ्टर 10^8 सेकेंड। तो दे विल कम टू दी, यहां आएंगे, ठीक है, यहां आएंगे, तो यहां आपका टाइम पीरियड क्या है, 10^-8 सेकेंड। बट देर इज एटम विल रीच टू दी an intermediate state or metastable state which have relatively longer time period. Uska time period longer hai, approximately 10^3 second hai. So they will hold at that time. So the population, the condition of the population inversion will be satisfied between the ground state and this metastable state. Ab, maine bataya tha, stimulated emission kya hai? Forced emission hai. एक एटम से यहां क्या होता है, एटम एनर्जी रिलीज करता है और बाहर चला जाता है। क्या निकलता है बाहर, एटम रिलीज करके नीचे आया, एक फोटोन रिलीज होगा और उस फोटोन की जो वेवलेंथ होगी वो 6943 एंगस्ट्रॉम होगी। ये क्या होगी, 6943 एंगस्ट्रॉम, यही आउटपुट रहता है इस लेजर का। अब ये फोटोन क्या करता है, ये फोटोन तब तक इस रॉड में अंदर बैक एंड फोर्थ, मतलब टकराता है फिर वापस आता है, टकराता है फिर वापस आता है, मूव करता रहता है जब तक कि ये किसी दूसरे एटम को यहां से फोर्स ना करे कि कम डाउन, नीचे आओ। तो क्या होता है, जैसे ही कोई एटम नीचे आता है, इट स्टिमुलेट्स द अनदर सिमिलर एटम टू गो टू द ग्राउंड स्टेट, और फाइनली आपका क्या होता है, दो फोटोन आपके किस वेवलेंथ के, 6943 एंगस्ट्रॉम के, 6943 एंगस्ट्रॉम के दो फोटोन आपके निकल जाते हैं। तो अब आपके दिमाग में ये कह रहे होंगे कि ये तो एक एटम की बात हो रही है, बेसिकली दिस इज ओनली टॉक अबाउट वन एटम, बट दिस प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर दी मल्टीपल एटम्स। एक एटम आया, हो सकता है 10 एटम आए नीचे, तो 10 एटम आए और उनसे 10 फोटोन रिलीज हो, तो दीज 10 फोटोन्स विल इंसिस्ट टू द अनदर एटम इन दी इन दिस मेटा स्टेबल स्टेट to stimulate and release the photon and go to the ground state. मतलब वो 10 फोटोन भी क्या करेंगे, 10 ऊपर वाले एटम्स से फोर्स करेंगे के just release the photons and come down. So a high energy beam of laser will be received at the output end. Output end पर इस तरीके से प्रोसेस सभी एटम्स के लिए रिपीट होती है, तो इसकी वजह से क्या है, आउटपुट एंड पर आपको मैक्सिमम पीक आपको जो है
हाई एनर्जी इंटेंस पीक जो है मिल जाता है, क्योंकि यहाँ ये आपका पंप, बिल्कुल पंप सोर्स तो ये है, लेकिन ये बिल्कुल स्टिमुलेटेड एमिशन हो रहा है, ये इसको और जल्दी कहता है जल्दी आओ, तो बहुत सारी इंटेंसिटी के साथ जो फोटोन की बीम जो है बाहर आती है। अब दिस इज द केस ऑफ पल्स, ये लेजर कैसा है, पल्स लेजर है, बिकॉज आउटपुट इसमें पल्स लेजर होता है, क्योंकि द पॉपुलेशन इन्वर्जन इज कंडीशन ऑफ द पॉपुलेशन इन्वर्जन इज नॉट सेटिस्फाइड थ्रू आउट द प्रोसेस, इट at time this will be satisfied, then it will take some time, then again it will be satisfied, then again it will take some time. So the output of this kind of laser is in the pulsed form, pulse ke form mein iska output hota hai aur kafi intense hota hai, kyunki pulse aayegi ye continuous aa raha hai ek aa rahi hai pulse, to pulse kafi intense hoti hai. To is tarike se ye aapka iska working hai. I am repeating again, yahan se atoms are excited by a pump source of 5500 angstrom. The atom will reach to the higher energy state. They will decay from this state to the next metastable state, which has the relatively longer time. If one atom is go down and release a photon, this photon move in the ruby rod back and forth until it stimulates the other similar atom to go the ground state and release the same photon. तब तक घूमता रहता है जब तक ये किसी दूसरे एटम को फोर्स ना कर दे कि एक आप रिलीज करिए और फोटोन रिलीज करिए. दिस प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर ऑल द एटम्स इन द, इसमें जितने एटम है मेटास्टेबल स्टेट में सबके लिए होती है. एंड द आउटपुट ऑफ दिस काइंड ऑफ लेजर इज इन पल्स फॉर्म. बस ये आपको वर्किंग में इस डायग्राम को बनाते हुए लिखना है, ठीक है. अब देखिए, अब इसकी मैं कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेता हूं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूबी लेजर. थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूं यहां से. Characteristics of ruby laser. देखिए सबसे पहला इसका टाइप क्या है, टाइप है थ्री लेवल, ठीक है. टाइप कैसा है, थ्री लेवल सॉलिड स्टेट लेजर, ठीक है. नेक्स्ट टाइप समझ आ गया, टाइप क्या है. उसके बाद रेजोनेंट कैविटी, जो कैविटी हमने यहां लिखी है, रेजोनेंट कैविटी जो है हटा दिया मैंने, रेजोनेंट कैविटी, कैविटी लिख दे रहा हूं, रिफ्लेक्टिंग मिरर, ठीक है. कूलिंग सिस्टम इसका कौन सा है, वाटर, ठीक. अब फोर्थ है इसकी, अब इसकी बात कर लेते हैं, आउटपुट पावर कितनी है, पी आउट, आउटपुट पावर यानी पी आउट. इसकी जो पी आउट है 10^4 से 10^6 वॉट, ये इसकी पावर है. और नेचर कैसा है, पल्स्ड बीम के फॉर्म में है. नेचर कैसा है इसका, पल्स बीम के फॉर्म में. और नेक्स्ट पी आउट हो गया, अब आप लिख दीजिए वेवलेंथ, आउटपुट वेवलेंथ कितनी है, वो आपकी है 6943 एंगस्ट्रॉम. नेक्स्ट लिख रहा हूं एफ आउट, फ्रीक्वेंसी आउटपुट कितना है, आप निकाल सकते हैं 4.32 × 10^14 हर्ट्ज, ठीक है. नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं इसका, और लास्ट छठवां पॉइंट, नेचर ऑफ आउटपुट, नेचर कैसा है, पल्स्ड बीम के फॉर्म में है. तो ये इस तरीके से इसकी आपकी क्या हो गई,
करेस्टिस्टिक्स हो गई लेजर की, कि करेस्टिस्टिक्स किस तरीके से होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रॉबैक्स की, कि ड्रॉबैक्स क्या है इस लेजर के। ड्रॉबैक्स, पहला पॉइंट है ड्रॉबैक्स में, रिक्वायर हाई पंप एनर्जी पंप सोर्स, हाई एनर्जी पंप सोर्स चाहिए यहां, ये ड्रॉबैक हो गया एक, हाई एनर्जी पंप, हाई एनर्जी पंप सोर्स रिक्वायर्ड होता है। हाँ, यहां एक चीज और लिख दीजिए, यहां एक पॉइंट और रह गया, या जो पंपिंग मेथड है, जो पंपिंग मेथड हम यूज करते हैं वो पंपिंग मेथड होता है ऑप्टिकल पंपिंग, यहां लिख दें चाहे यहां लिख दें, यहां लिख दें तो ज्यादा ठीक रहेगा, जो पंपिंग मेथड है वो ऑप्टिकल पंपिंग होती है। मेथड्स की क्लास आपके में है, सिर्फ डिटेल नहीं है, ठीक है। अब आउटपुट कैसा है इसका, आउटपुट जो आउटपुट है, आउटपुट कैसा है, कंटिन्यूअस नहीं है, इज नॉट कंटिन्यूअस, इसका आउटपुट कैसा है, कंटिन्यूअस नहीं है। इसकी इफिशियंसी भी कम है, क्योंकि हाई एनर्जी पंप जब 5500 से आप सिर्फ 6943 एंगस्ट्रॉम ले पा रहे हैं, 5500 तो आपने वही यूज कर लिया, तो इसकी जो इफिशियंसी है, हीट इफिशियंसी इज लेस। और चौथा दिक्कत इसमें एक आती है कि जो ये रूबी क्रिस्टल है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग में कहीं ना कहीं डिफेक्ट्स आते हैं, डिफेक्ट्स इन कितना भी आप, इसीलिए इसकी कॉस्ट भी ज्यादा हो जाती है, डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल मैन्युफैक्चरिंग। ये आपका इस तरीके से इसके आपके ड्रॉबैक्स हो गए। ड्रॉबैक्स के बाद इसके एप्लीकेशंस की तरफ मूव कर लेते हैं, तो एप्लीकेशंस क्या क्या है इसके, एप्लीकेशंस इसके अगर हम बात करें, एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो इसके एप्लीकेशन सबसे ज्यादा लेबोरेटरी में यूज होता है, लैब्स, वेल्डिंग में बहुत यूज होता है क्योंकि हाई एनर्जी आपकी पल्स आती है, वेल्डिंग, सोल्डरिंग, कटिंग के लिए भी यूज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये, और होलोग्राफी, एक आपकी जो 3D फोर्ड वो होती है, पिक्चराइजेशन होलोग्राफी, जो आपके कोर्स में तो नहीं है, होलोग्राफी, होलोग्राम आपने सुने होंगे कि ये इसका होलोमार्क है, ये होलोग्राम है, ये उसका होलोग्राम है, तो होलोग्राम कॉपी नहीं हो सकता, तो इसीलिए थोड़ा चीटिंग को बचाने के लिए ये यूज होता है। तो इस तरीके से ये पूरा रूबी लेजर जो है आपका वर्किंग हो गया, इसकी करेक्टरिस्टिक्स हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गया, ड्रॉबैक्स हो गए, एप्लीकेशंस हो गए। यहां से अब कोई भी क्वेश्चन आए, छोटा या बड़ा जैसा भी, तो आप उसको आंसर कर सकते हैं। ड्रॉबैक्स भी मैंने बता दिए कि इसके साथ ये दिक्कत रहती है। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट लेजर की तरफ, दैट इज दी हीलियम नियॉन लेजर, और वो आपका इससे एनहेंस, इससे बेटर लेजर है, तो वो हम देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से आपका रूब हीलियम नियॉन लेजर आपका बनता है, उसमें भी यही सारी चीजें देखेंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो ले लीजिए, बट माय नाइटिंग इज नॉट गुड, आई ऑलरेडी टोल्ड यू ईच एंड एवरीथिंग। चलिए बहुत ध्यान से ये कर लीजिए, जब आपके अगर ऑफलाइन एग्जाम्स होते हैं किसी भी क्लास में हो, ये मतलब आप रूबी लेजर तो आता ही आता है, ये बिकॉज फर्स्ट लेजर आपका था जो बनाया गया और जो वर्किंग में आपका यूज हुआ, मतलब इंडस्ट्री में हर जगह, लेबोरेटरी में तो और भी तरीके के लेजर बने, लेकिन इंडस्ट्री यूज आपका कमर्शियल यूज इसी लेजर का हुआ, तो इसीलिए इसका इसकी स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब जो मैं नेक्स्ट लेजर की बात कर रहा हूँ वो आपका है हीलियम नियॉन लेजर। हीलियम नियॉन लेजर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये गैस लेजर की एक क्लास है और फोर लेवल लेजर है। कैसा है, फोर लेवल लेजर है।
मैं बात करने जा रहा हूं हीलियम नियॉन लेजर, हीलियम नियॉन लेजर। तो ये भी लेजर भी आपके क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत अच्छे से आपको देखना है। कोई इसमें ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है, बस टू लेवल की जगह आपका क्या है थ्री लेवल लेजर, तो थ्री लेवल की जगह फोर लेवल लेजर आपका यहाँ यूज होता है। तो पहले में वही पॉइंट कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन पर ध्यान दीजिए कि किस तरीके से मैं इसको बनाता हूं। अब मैं क्या करता हूं, एक क्वार्ट्ज ट्यूब लेता हूं, क्वार्ट्ज की एक ट्यूब होती है, क्वार्ट्ज की एक ट्यूब तो दोनों तस्तरों पर कुछ इस तरीके से होती है। क्वार्ट्ज ट्यूब में क्या है, गैस का मिक्सचर जो है फिल कर देता हूं, कौन सी, हीलियम प्लस नियॉन मिक्सचर है तो दो चीजों की बात होगी। और इसमें क्या करते हैं हम, थोड़ा अलग कलर से दिखाएं तो आपको स्पेसिफाई ज्यादा होगा, ये जो है ये आपका एक ब्रिस्टर विंडो की तरह, ब्रिस्टर विंडो क्या है, लाइट को अनपोलराइज लाइट को पोलराइज करने के लिए यूज होती है, इसको ब्रिस्टर विंडो इसको बोलेंगे हम, ब्रिस्टर विंडो इसको बोला जाता है, बी आर ई डब्ल्यू एस टी आर, ब्रिस्टर विंडो, ये ब्रिस्टर विंडो हो गई, बी आर ई डब्ल्यू एस टी, ब्रिस्टर विंडो। और ये जो है आपका ये क्या है, क्वार्ट्ज ट्यूब है, क्वार्ट्ज ट्यूब साथ के साथ लिख रहा हूं। अब क्या करते हैं, एक मिरर आप इस एंड पर लगाते हैं, एक मिरर इस एंड पर लगाते हैं, ये क्या है फुली रिफ्लेक्टेड, फुली जैसा कि उसमें किया था फुली रिफ्लेक्टेड मिरर, यहां क्या है ये पार्टली या पार्शली, पार्टली रिफ्लेक्टेड, पार्टली रिफ्लेक्टेड मिरर, ये आप यूज करते हैं पार्टली रिफ्लेक्टेड मिरर। यहां क्या करते हैं, यहां एक आरएफ जनरेटर जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को जो ग्राउंड स्टेट में होते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर, वो एक पंप सोर्स की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका हो गया और यहां जो आउटपुट रहता है कुछ इस तरीके से, एक बिल्कुल कंटिन्यूअस आउटपुट आपको इसको लिख देंगे ओपी यानी आउटपुट, ये इस तरीके से आपका पूरा सिस्टम रहता है। अब क्या होता है, सबसे पहले वही बात करेंगे एक्टिव मीडियम क्या है, एक्टिव मीडियम आपको चाहिए, सेकेंड आपको चाहिए रेजोनेटर कैविटी क्या है, रेजोनेटर कैविटी, ठीक है। पंप सोर्स कैसा है, पंपिंग कैसी है, किस टाइप की है, वो मैं वहां लिखना भूल गया था, पंपिंग आपकी किस तरीके से है, तो ये तीन चार पॉइंट आपको यहाँ लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ जो मटेरियल आप यूज कर रहे हैं जो ऑप्टिकल है, ये मिक्सर ऑफ क्या है, हीलियम प्लस नियॉन, हीलियम एटम पहले एक्साइट हो जाते हैं, इनका 22.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होता है, 20.1 कुछ ऐसा इसका क्या कहते हैं एक्साइटिंग पॉइंट होता है, ये जो होता है 21.66 नियॉन का, तो ये थोड़ा बाद में एक्साइट होते हैं, लगभग नियर बाई है। यहाँ क्या है, ये टू रिफ्लेक्टिंग मिरर्स, टू रिफ्लेक्टेड मिरर्स, पंपिंग इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या इलेक्ट्रिकल, ये क्या करता है इसमें
चार्ज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जिससे क्या है इसके जो एटम्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सेलरेट हो जाते हैं और एक्साइट होना शुरू हो जाते हैं, तो इसीलिए इसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पंपिंग बोला जाता है। तो ये तो आपकी पूरी एक तरीके से कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसमें आप थोड़ा यही लिखेंगे कि द मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड नियॉन गैसेस इज फिल्ड अंडर अ क्वार्ट्ज ट्यूब, अ ब्रिस्टर विंडो इज यूज टू मेक द लाइट टू मेक द अनपोलराइज लाइट पोलराइज्ड, ठीक है। उसके बाद देर आर टू रिफ्लेक्टिंग मिरर वर्क एज द ऑप्टिकल रेजोनेटर कैविटी इन विच वन इज फुली रिफ्लेक्टेड एंड अदर इज पार्टली रिफ्लेक्टेड। ये सारी चीजें लिख देंगे। एंड फाइनली द रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर इज यूज एज अ पंप सोर्स। तो ये पूरा आप कंस्ट्रक्शन का डेफिनेशन देके पूरी मतलब कंटेंट देके लिख देंगे। ये पूरा आपका कंस्ट्रक्शन की बात होगी। अब मैं वर्किंग की तरफ मूव करूंगा। देखिए अब इसमें मुझे सिर्फ डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाऊंगा उसके बाद आपकी कहानी शुरू करते हैं। देखिए डायग्राम बहुत ध्यान से देख लीजिए कि डायग्राम कैसे बनता है। थोड़ा बड़ा ही बनाएंगे। एक साइड में हीलियम लूंगा, एक साइड आपका क्या लूंगा नियॉन लूंगा। तो देखिए अब यहां क्या होता है, यहां एक ये मेटा स्टेबल स्टेट्स हैं। यहां से एटम जो है यहां पहुंचते हैं, कुछ एटम यहां से यहां भी पहुंचेंगे। अब आप एक चीज कह रहे सोचेंगे कि जब ये एटम यहां से यहां जा रहे हैं, यहाँ बैक ट्रांजेक्शन क्यों नहीं है? बैक ट्रांजिशन होने चाहिए, जा रहे हैं वापस आने चाहिए। तो बैक ट्रांजिशन इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेटा स्टेबल स्टेट से कभी बैक ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता है। हमेशा आपका जो होगा वो एक ही डायरेक्शन में ट्रांजिशन होगा मेटा स्टेबल स्टेट में। अब नॉर्मल होता तो उसमें ये पॉसिबल होता। तो यहां मैं इसको कह दूंगा, लेट्स से दिस इज ई वन, दिस इज ई टू एंड दिस इज ई थ्री, ठीक है। ये इस तरीके से, और ये जो है हीलियम है, ये क्या है हीलियम है, ये आपका क्या है नियॉन है। अब नियॉन में क्या होता है कि ये जो हाई एनर्जी जो एक्साइटेड क्या है आपके एटम्स हैं, ये एटम क्या करते हैं, जो नियॉन के एटम्स हैं वो तब तक एक्साइट नहीं हुए होते जब तक कि हीलियम के एटम एक्साइट होके मेटा स्टेबल स्टेट्स में पहुंच जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, दे कोलाइड, यहां से ये कोलिजन करते हैं, यहां से क्या करते हैं इनइलास्टिक कोलिजन्स ई एल होगा, इनइलास्टिक कोलिजन्स किसके साथ, नियॉन के एटम्स के साथ कोलिजन करते हैं। और कोलिजन करने के बाद क्या करते हैं, अपनी जो एनर्जी है उस एनर्जी को किसको दे देते हैं, वो एनर्जी दे देते हैं नियॉन के एटम्स को। तो नियॉन के एटम्स को जब ये एनर्जी दे देते हैं तो नियॉन एटम भी एक्साइट होना शुरू हो जाते हैं, और वो भी अपनी हाई एनर्जी लेवल्स में, इनमें ये भी मेटा स्टेबल स्टेट्स हैं, यहां जाना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले एटम क्या करता है, ग्राउंड से सीधा यहाँ हाई एनर्जी स्टेट में, इसको कह दिया मैंने E1 डैश, ठीक है, इसको मैंने E1 डैश का नाम दे दिया, हाई एनर्जी मेटा स्टेबल स्टेट्स में पहुंचना शुरू हो जाते हैं। यहां एक स्टेट, जैसे यहां दो है, यहां भी मैं दो ही बना देता हूं, इसी लेवल की बना देता हूं, इसको मैं नाम दूंगा अभी, उसके बाद एक ट्रांजिशन यहां होगा और एक स्टेट आपकी यहां होगी, ठीक है। अब ठीक है, ये हो गया आपका E2 डैश, ये हो गया E3 डैश, ये हो गया E4 डैश और ये हो गया E5 डैश। इस तरीके से एनर्जी लेवल्स आपके मुझे दिखाने हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपका नियॉन और हीलियम दोनों एटम, तो ये जो यहां समझ आ गया होगा, व्हेन द पंप सोर्स एक्साइट द हीलियम एटम सो दे विल रीच टू द हायर एनर्जी स्टेट्स, किसमें हायर एनर्जी मेटा स्टेबल स्टेट्स E2 एंड E3। These excited atoms transfer their energy to the ground state neon atoms. Neon atoms को दे देते हैं. Now the neon atoms are excited and reach to the high energy meta stable states में पहुंचना शुरू हो जाते हैं. तो कुछ यहां पहुंचेंगे, कुछ जिसको कम एनर्जी मिलेगी वो कुछ यहां पहुंच जाएगा. इस तरीके से E4 dash and E5 dash,
ये भी आपकी क्या है, मेटा स्टेबल स्टेट है। ये क्या है, मेटा स्टेबल स्टेट है। क्या है, फिर ध्यान देखिए, मेटा स्टेबल स्टेट्स है। ठीक, अब एटम क्या करते हैं, यहां पहुंचते हैं। यहां पहुंचने के बाद मैं लिख देता हूं यहां E5 डैश एंड E4 डैश, क्या है, मेटा स्टेबल स्टेट, मेटा स्टेबल स्टेट। यहां E3 एंड E2 ये क्या है, MTS मेटा स्टेबल स्टेट कर दिया मैंने। यस, मैं अभी तुम्हारा क्वेश्चन लूंगा, है ना, अभी लेता हूं। देखिए, फिर मैं आपको थोड़ा सा यहां बता दूं कि अब जब एटम यहां पहुंचते हैं तो उसके बाद एक ट्रांजिशन यहां से यहां होता है, दूसरा ट्रांजिशन यहां से यहां होगा। तो ये जो E4 डैश और E5 डैश है, इनका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड समझ गए, तो ये E3 डैश जो आपकी सिंपल एनर्जी स्टेट है, इस स्टेट से ज्यादा होता है। एटम यहां आए तो यहां आने के बाद क्या होता है कि इन दोनों की कंडीशन में जो लेजर एक्शन टेक्स प्लेस होता है वो आपका E5 डैश और E3 डैश के बीच ही लेजर एक्शन जो है टेक प्लेस हो जाता है, क्योंकि एटम यहां काफी देर होल्ड करते हैं तब जाके यहां कहीं पहुंच पाते हैं। उसमें भी ये सिस्टम है, कुछ एटम यहां E4 डैश में अटक जाते हैं तो ये E4 डैश को रोक लेता है, तो E3 डैश यानी ये N3 डैश और इसको कह दो N5 डैश, ये कंडीशन हमेशा N5 डैश इज ऑलवेज ग्रेटर देन N3 डैश, ये हमेशा ग्रेटर होता है, और इसी रीजन में आपका क्या है, लेजर एक्शन होता है। क्यों होता है, मैं अभी बताऊंगा, इसको और समझाऊंगा, थोड़ा सा नहीं समझ आया होगा कि यहां एटम पहुंचे, अब एटम यहां क्या, यहीं रुक गए, इसके बाद नेक्स्ट एटम तो यहां नंबर तो बाद में आएगा, यहां जो एटम पहुंचेंगे वो बाद में पहुंचेंगे, तो इससे क्या है, दिस कंडीशन इज ऑलवेज बी सेटिस्फाइड इन दिस रीजन। फिर यहां से क्या है, एटम डिके करके यहां आते हैं, ये स्पॉन्टेनियस डिके होता है SP, उसके बाद ये ट्रांजिशन लेते हैं रेडिएशन लेस ट्रांजिशन, और एटम अपना ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। अब देखिए, नहीं आपको बता दूं किस तरीके से ये होता है, तो देखिए बिगिनिंग में क्या हुआ, यहां से आपने जैसे ही इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इस पूरे मिक्सचर से पास होता है, जो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी एनर्जी क्या है, हीलियम एटम्स देते, तो नियॉन एटम्स को भी है, पर नियॉन एटम्स क्या है उस समय एक्साइट नहीं होते, उससे पहले हीलियम एटम एक्साइट हो जाते हैं, एक्साइट होने के बाद दे विल रीच टू द हायर एनर्जी स्टेट्स, हायर एनर्जी स्टेट पर पहुंचते हैं E2 एंड E3 में। ठीक है, वहां पहुंचने के बाद व्हाट दे विल डू, दे विल ट्रांसफर देयर एनर्जी टू द ग्राउंड स्टेट नियॉन एटम, जो नियॉन एटम होते हैं ग्राउंड स्टेट, उनको अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं। कैसे, कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद एक्साइटेड एटम्स क्या, अपनी एनर्जी उनको दे देते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, नियॉन एटम्स एक्साइट होना शुरू करते हैं और दे विल रीच टू द हायर एनर्जी स्टेट्स, एंड हायर एनर्जी स्टेट्स कौन सी, E4 डैश एंड E5 डैश आर द मेटा स्टेबल स्टेट्स। ये क्या है, मेटा स्टेबल स्टेट्स हैं, वहां पहुंचने के बाद एटम और उनका जो टाइम पीरियड है वो E3 के कंपेरिजन में रिलेटिवली लार्ज है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इसकी वजह से क्या है, यहां एटम पहुंचे, यहां से अब ट्रांजिशन होना शुरू होते हैं, तो पहला ट्रांजिशन यहां होता है, तो ये भी आपका सिंपल क्या है, एटम यहां जो ये ट्रांजिशन होता है ये SP स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन होता है, उसके बाद ये जो ट्रांजिशन होता है दैट इज द स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन। इसमें क्या होता है, देखिए एक एटम यहां से यहां आता है, एक एटम जब यहां से यहां आया तो वो क्या करेगा, व्हाट ही कह दो या इट विल डू, एटम की बात कर रहे हैं, तो वो एक फोटोन रिलीज करेगा और उसकी वेवलेंथ होगी 6243 ऐसा कुछ होता है, 63 इसकी जो वेवलेंथ है वो होती है आपकी लगभग आई थिंक कितना होता है 6328 होता है ऐसा ही कुछ है, जस्ट वेट मैं अभी बताता हूं, हाँ 6328
6328 एंगस्ट्रॉम का एक फोटोन यहां से रिलीज हुआ। अब ये फोटोन तब तक इस मिक्सचर में घूमता रहता है बैक एंड फोर्थ जब तक कि ये दूसरे एटम्स को फोर्स ना करे कि कम डाउन, और जैसे ही दूसरे एटम को फोर्स करता है, एटम यहां आया तो आपका सिमिलर दो एटम यहां से रिलीज हो जाते हैं और उनकी वेवलेंथ वही होती है। इसलिए मैं इसको ब्लू कलर से अलग से दिखाया है कि ये एटम तो लेजर एक्शन इस रीजन में होता है। आप कह रहे होंगे लेजर एक्शन यहां क्यों नहीं होता, यहां नहीं होता, ये मेटास्टेबल स्टेट्स के बीच में और ये अपर जो हाई एनर्जी लेवल है उसके बीच में आपका लेजर एक्शन टेक प्लेस हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद मैं सिंपल फिर समझिए, एटम ये खुद एक्साइट नहीं हो रहे, इनको एक्साइट इन इलास्टिक कोलिजन, हीलियम की जो एक्साइटेड एटम्स हैं उनके कोलिजन से एक्साइटेशन मिल रहा है। ये अब हाई एनर्जी स्टेट्स में पहुंचेंगे, यहां से ये ट्रांजिशन स्पॉन्टेनियसली आएंगे, बट यहां से जो यहां ट्रांजिशन आएगा, दिस ट्रांजिशन विल बी इश्यूबुलेटेड एमिशन और एक फोटोन रिलीज कर देगा। दिस फोटोन विल इंसिस्ट टू द अदर एटम टू रिलीज द सेम काइंड ऑफ फोटोन एंड गो टू द नेक्स्ट लोअर एनर्जी लेवल। तो यहां आके ये क्या है फिर, और एक आउटपुट पर आपको एक कंटिन्यूस फिल्म, कंटिन्यूस एक बीम जो है मिलती, क्यों मिलती है, क्योंकि इसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन N5 इज ग्रेटर देन N3 डैश, N5 डैश इज ग्रेटर देन N3 डैश इज ऑलवेज ही सैटिस्फाइड, इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, सो द आउटपुट एंड यू विल रिसीव अ कंटिन्यूस आउटपुट। ये इस तरीके से इसका हो जाता है। उसके बाद मैं नेक्स्ट अगर बात करूं इसकी करेक्टरिस्टिक्स की, तो करेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले एक्टिव मीडियम, एक्टिव मीडियम मैंने बता दिया क्या है, एक्टिव मीडियम इसका क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस हीलियम और नियॉन। तो यहां मैं शॉर्ट में लिखता हूं करेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक्टिव मीडियम आपका क्या है, HENE गैसेस। ठीक है, इसके बाद इसका टाइप अगर आप देखें तो इसका जो टाइप है फोर लेवल गैस लेजर। ठीक है, पी आउट इसका जो पावर होती है आउटपुट पर वो काफी कम होती है, वो लगभग आप देखेंगे तो लगभग 0.5 से लगभग 50 मिलीवॉट होती है, 0.5 से 50 मिलीवॉट ये इसकी पावर। लैम्डा आउट लिखा ही था 6328 एंगस्ट्रॉम, फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी अगर आप देखेंगे तो लैम्डा कम होगा तो फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, वहां 4.32 था, यहां आपका होगा एफ आउट, जो एफ आउट होगा वो आपका होगा लगभग 4.7 × 10⁻¹⁴ हर्ट्ज। ठीक है, ये इस तरीके से इसकी नेचर आउटपुट ओपी नेचर कैसा है, आउटपुट नेचर CW स्मॉल में CW यानी कंटिन्यूस वेव आउटपुट, कंटिन्यूस वेव आउटपुट हो गया। पंपिंग और आपका कैविटी, कैविटी लिख देंगे, कैविटी आपकी टू रिफ्लेक्टेड मिरर्स यूज होते हैं, टू रिफ्लेक्टेड मिरर्स आपके यूज होते हैं। तो ये इस तरीके से इसका आपका सिंपल बन जाता है कि करेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है। अब उसके बाद इसके हम सॉरी एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो देखो एडवांटेज पहला तो सिंपल है कि इसका जो आउटपुट है वो कैसा है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस वेव आउटपुट है, और इससे जो लाइट आती है वो हाईली मोनोक्रोमेटिक होती है, मतलब एक ही वेवलेंथ होती है, अगर उसमें कुछ फ्लक्चुएशन भी होते हैं तो ये जो ब्रीस्टर विंडो है वो क्या करती है, उस लाइट को कन्फाइंड कर देती है उसके वाइब्रेशन को एक डायरेक्शन में, तो हाईली कन्फाइंड लाइट आती है। फ्रीक्वेंसी हाई होती है इसकी, हाई फ्रीक्वेंसी है, और स्टेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी होती है, मतलब लेजर इस आउटपुट को काफी लॉन्गर टाइम तक इस, कभी कभी क्या होता है कि हीट की वजह से आपका सिस्टम क्या है आउटपुट उस तरीके का नहीं दे पाता, उसमें फ्लक्चुएशंस आना शुरू हो जाते हैं, इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। दूसरी इसमें कूलिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ती हमें, कूलिंग सोर्स की जैसे कि हमको आपका सिंपल पढ़ रहा था कि इसमें रूबी लेजर में यहाँ कूलिंग की मैंने कहीं बात नहीं की है, तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ कूलिंग सोर्स।
अब ये क्या पावर काफी कम है तो लेबोरेटरी में इनका बहुत यूज होता है, और मॉडरेट यानी शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए या शॉर्ट टू मॉडरेट डिस्टेंस के लिए इनका कम्युनिकेशन में यूज होता है, और इन ये एक्सपेंसिव नहीं है क्योंकि यहाँ गैस मिक्सचर यूज कर रहे हैं आप, सो बिकॉज ऑफ दैट दीज आर इनएक्सपेंसिव, यानी इनएक्सपेंसिव मतलब एक्सपेंसिव नहीं है। बट रूबी लेजर कैसा है, एक्सपेंसिव है क्योंकि वहां क्रिस्टल फॉर्मेशन करना है, तो क्रिस्टल मेकिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट और अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। तो ये इस तरीके से आपका ये हो गया। फिर अगर आप इसके एप्लीकेशंस, तो लेबोरेटरी में यूज हो रहा है, कम्युनिकेशन मैंने बता ही दिया, फोटोग्राफी में भी यूज होता है। अब कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन दी रूबी लेजर एंड दी हीलियम नॉन लेजर। तो सबसे पहला डिफरेंस टाइप का है, ये कैसा है रूबी लेजर आपका कैसा है, सिंपल सॉलिड स्टेट लेजर है, हीलियम नियॉन लेजर गैस लेजर है। ये थ्री लेवल लेजर है रूबी लेजर, हीलियम नियॉन कैसा है फोर लेवल लेजर है। फिर आउटपुट का भी, नेचर ऑफ आउटपुट भी अलग अलग है। रूबी लेजर का आउटपुट इस पल्स फॉर्म है, इधर आपका आउटपुट कैसा है, आपका है कंटिन्यूस वेव आउटपुट है, और इधर कूलिंग सिस्टम चाहिए होता है रूबी लेजर में, हीलियम नियॉन में नहीं चाहिए होता है। और इसकी जो वेवलेंथ आउटपुट है वो भी अलग अलग है। हीलियम अगर आप रूबी लेजर की देखें तो 6943 एंगस्ट्रॉम होती है, इधर अगर आउटपुट देखेंगे तो डेट विल बी 6328 एंगस्ट्रॉम होगा। तो इस तरीके से ये डिफरेंसेस हो जाते हैं। तो ये रूबी लेजर और हीलियम नियॉन लेजर के बारे में बात की। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज द एप्लीकेशंस ऑफ लेजर। आई एम जस्ट नरेटिंग दीज थिंग्स, दीज आर मेंशनड इन योर नोट्स ऑल्सो, ये मेंशन कर रखा है, बस मैं इनको नरेट करूंगा थोड़ा सा और बताता हूँ। ये अभी डायग्राम में थोड़ा सा डिस्कस रब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि किसी किसी का क्वेश्चन होंगे कुछ बच्चों के, तो आई विल टेक लेटर, इसको यहां से हटा देता हूँ। एप्लीकेशन ऑफ लेजर के एप्लीकेशन बहुत ब्रॉड हैं, बहुत ज्यादा हैं, मतलब वो काफी ज्यादा यूज होता है लेजर। तो सबसे पहले मेडिकल से स्टार्ट करेंगे, मेडिकल इंडस्ट्री में इसका, मेडिकल साइंस में, जैसे ऑप्टिकल फाइबर के एप्लीकेशन थे ऐसे ही लेजर के एप्लीकेशन है। तो देखो मेडिकल साइंस में जो एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो लेजर के एप्लीकेशन बहुत ज्यादा हैं। कॉस्मेटिक में बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, कॉस्मेटिक में लेजर ट्रीटमेंट होते हैं, अनवांटेड हेयर रिमूवल होता है, आजकल स्किन सर्जरी, स्किन ट्रीटमेंट भी हो रहा है लेजर से, आई ट्रीटमेंट भी हो रहा है लेजर से, ऑपरेशंस भी हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं मेडिकल साइंस की बात कर लेता हूं। एप्लीकेशंस ऑफ लेजर्स, पहला है मेडिकल साइंस, ब्रॉड लिखा है, इसके अंदर थोड़ा सा बताऊंगा मैं। मेडिकल साइंस में आपका लेजर सबसे पहले सर्जरी के लिए यूज होता है, किडनी स्टोन्स को रिमूव करने के लिए यूज होता है, कॉस्मेटिक में यूज हो रहा है, प्लस आपका क्या है जो आपकी जो ये खाने वाली नली, एंडोस्कोपी जिसको बोलते हैं, खाने वाली नली में अगर आपके क्या है जख्म वगैरह हो जाते हैं तो उनको अल्सर जिसे बोलते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए भी यूज होता है, स्किन ट्रीटमेंट के लिए भी यूज होता है, स्किन में काफी सारी चीजें आ जाती हैं, प्लस आई ऑपरेट के लिए भी यूज होता है लेजर बेस्ड ऑपरेशन। उसके बाद दूसरा जो है वो है आपका कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में भी लेजर का काफी बड़ा यूज है। कम्युनिकेशन में अगर आप देखें तो सिंपल लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन आर पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ लेजर, और वेरी मतलब काफी कम ऑप्टिकल फाइबर के साथ लेजर सोर्स यूज होता है। तो सबसे पहले एग्जांपल आपका वो है। तो काफी इसके जो एप्लीकेशन है वो ऑप्टिकल फाइबर से जुड़े हुए हैं, खासकर कम्युनिकेशन के। आपका फोरकास्टिंग के लिए आपका यूज होता है, फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग की बात करें तो वहां भी आपका लेजर यूज होता है, सैटेलाइट्स, रडार कम्युनिकेशन जो है, अंडर सी वाटर कम्युनिकेशन जो है, या किसी एनिमी, वो मैं डिफेंस में बताऊंगा ये सारी चीजें क्योंकि डिफेंस का भी पार्ट है। तो कम्युनिकेशन में सैटेलाइट, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, रडार कम्युनिकेशन, वहां लेजर आपका यूज होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है आपका, अगर आप देखें तो थर्ड इंडस्ट्री में भी लेजर का बहुत बड़ा योगदान है, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में क्या है, लेजर सबसे पहले कटर की तरह यूज होता है। कटर आप जानते हैं कि बड़ी बड़ी चादरों को, बड़ी बड़ी थिक
जो आपकी सीट्स होती है उनको कट करने के लिए लेजर सेकेंड्सों में कट कर देता है, और बिल्कुल रिफाइंड कट होते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटेड होते हैं, आप बिल्कुल जैसा करेंगे वैसा कट हो जाएगा। प्लस आपका जो लेजर प्रिंटर्स आ रहे हैं, लेजर प्रिंटर भी आपका यूज हो रहा है, प्लस आपकी जो मेमोरी रीड करने के लिए चीजें आ रही हैं वो मेमोरी भी रीड हो रही हैं। मतलब जैसा सपोज करो कि आपका, जैसे आप सीडी या डीवीडी लगाते हैं अपने कंप्यूटर में, तो उसको कौन रीड करता है? उसमें एक लेजर होता है छोटा सा, तो वो लेजर क्या करता है आपके, उसको रीड करता है, देन आपकी इंफॉर्मेशन जो है आपको पता चलती है। और आपका सबसे ज्यादा ये जो आप बात करें इंडस्ट्री में, जैसे कि गाड़ियां बन रही हैं, तो गाड़ियों को क्या बनने के बाद चेक किया जाता है लेजर से कि इसमें कहीं कोई डिफेक्ट तो नहीं है, तो वहां भी लेजर आपका यूज होता है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो कंप्यूटर में, प्रिंटर में, वेदर फोरकास्टिंग में, डेटा स्टोरेज में भी लेजर का पूरा योगदान है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी लेजर का योगदान है, लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज इन डिफेंस। डिफेंस में आपका लेजर बहुत यूज होता है, रेंज फाइंडर, रेंज फाइंड करने के लिए लेजर गन्स होती हैं, लेजर गन्स, लेजर गाइडेड मिसाइल्स भी आजकल आ रहे हैं, वहां यूज होता है। प्लस आपका क्या है, लिडार, अंडर सी वाटर जो कम्युनिकेशन होता है, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, वहां भी लेजर यूज होता है। और लेजर क्या है कि सबसे एनिमी की मिसाइल्स को डैमेज करने के लिए, एंटी एंटी मिसाइल वेपन जो होते हैं उनमें भी लेजर यूज होता है। तो इस तरीके से लेजर का बहुत बड़ा योगदान है, और आपको देखेंगे आप अपने आसपास तो लेजर के काफी सारे एप्लीकेशंस आपको मिलेंगे। सो दिस इज होल अबाउट द रूबी लेजर, हीलियम नियॉन लेजर एंड द एप्लीकेशन ऑफ लेजर।